Assalamualaikum viewers, welcome to Exploring Panda। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वाटर साइकिल। तो वाटर साइकिल एक कैटेगरी है बायो जियो केमिकल साइकिल की। किस साइकिल की कैटेगरी है ये? बायो जियो केमिकल साइकिल। तो हम बहुत डिटेल से आज वाटर साइकिल को स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। इसके सारे स्टेप्स हम देखने वाले हैं यहाँ पे। तो वाटर साइकिल की अगर हम डेफिनेशन की बात करें, कि एक डेफिनेशन अगर इसकी देखते हैं, तो अभी हम बहुत डिटेल से वाटर साइकिल को स्टडी करने वाले हैं। तो वाटर साइकिल में हम देखते हैं कि बायो जियो केमिकल साइकिल की एक टाइप है। और बायो जियो केमिकल एक ऐसा नेचुरल प्रोसेस होता है ना, जो असेंशियल एलिमेंट्स, जिस तरह के हमारे पास वाटर है, न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है ना, हमारे पास नाइट्रोजन है और उसके अलावा कार्बन है, तो ये असेंशियल एलिमेंट्स को ये मूव करवाता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स एटमोसफेयर और अर्थ के दरमियान। मतलब के बायो जियो केमिकल साइकिल असेंशियल एलिमेंट को मूव करवाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, फिर एटमॉस्फेयर, फिर अर्थ में ले जाता है और दोबारा फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, मतलब न्यूट्रिएंट, इस तरह मूव एक साइकिल में करते रहते हैं। इनमें हम वाटर देखते हैं, कार्बन देखते हैं और उसके अलावा मोस्ट जो फेमस है नाइट्रोजन। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल हैं, बायो जियो केमिकल साइकिल है, वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है ना। इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे अब हम बात कर रहे हैं वाटर साइकिल की, ठीक है। तो वाटर साइकिल की बात हो रही है, तो वाटर साइकिल की एक बड़ी ही बेसिक सी डेफिनेशन हम यहाँ पे करेंगे। कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर अबव और बिलो द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एज द वाटर साइकिल। तो अगर हम इसकी बेसिक सी डेफिनेशन करें, इट इज़ द कंटिन्यूस मूवमेंट, वाटर की कंटिन्यूस मूवमेंट होनी है कहाँ से कहाँ तक, ऑन अर्थ और बिलो अर्थ सरफेस, ठीक है ना, ऑन और बिलो अर्थ सरफेस। तो इसको हम कहते हैं ये हमारे पास क्या है, वाटर साइकिल है, ठीक है। तो उसके बाद क्या है हमारे पास कि वाटर साइकिल के कुछ स्टेप्स अगर हम देखें यहाँ पे, तो होते हैं एवेपोरेशन, कंडेंसेशन। स्टेप्स आप यहाँ पे नोट डाउन कर लो, ठीक है ना। तो प्रेसिपिटेशन, ठीक है, उसके बाद है एवेपोरेशन, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन, फिर प्रेसिपिटेशन एंड एट द एंड इज रन ऑफ, ठीक है। तो आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो कि ये सीवरल स्टेप्स होते हैं, एवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन एंड रन आउट, क्लियर। तो 97% वाटर जो होता है, टोटल वाटर, ये कहाँ पे पाया जाता है? ओशंस में। 97% वाटर, टोटल वाटर में से 97% पाया जाता है वाटर हमारे पास ओशंस में, क्लियर। तो अगर हम बात करें ना वाटर साइकिल की, तो वाटर साइकिल को ड्राइव करते हैं बेसिकली दो चीज़ें, ठीक है ना, इसको ड्राइव करती हैं। एक है हमारे पास सोलर एनर्जी, तो सोलर एनर्जी किस तरह वाटर साइकिल को ड्राइव करती है, इसको हम बहुत डिटेल से नेक्स्ट स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी एक बेसिक सी इन्फो इसकी बता देती हूँ कि सोलर एनर्जी में क्या होती है, हीट, ठीक है। हीट जो होती है ये क्या करवाती है, वाटर के मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ा के इनको एवेपोरेट करवाती है। एवेपोरेशन करके वाटर के मॉलिक्यूल हवा में जा कर क्या हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं। कंडेंसेशन से क्या बनते हैं, क्लाउड्स बनते हैं, और क्लाउड्स जो होते हैं बाद में वो ड्यू टू द ग्रेविटी वो ज़मीन पर पानी बरसाते हैं, ठीक है ना, इन द फॉर्म ऑफ द रेन या फिर स्नो, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या है, दूसरी चीज़ फिर कौन सी होगी, बेसिक ग्रेविटी। ग्रेविटी होगी तो पानी जो है वो ज़मीन की तरफ मूव करेगा इन द फॉर्म ऑफ द रेन और स्नो, क्लियर।
तो क्लाउड्स होते हैं वो ड्यू टू ग्रेविटी क्लाउड्स ड्रा बैक वाटर टू अर्थ इन द फॉर्म ऑफ द प्रेसिपिटेशन, ठीक है ना। तो प्रेसिपिटेशन में हम देख सकते हैं कि वो हो सकती है रेन, प्रेसिपिटेशन की बात कर रही हूँ, ठीक है ना, उसकी फॉर्म्स की, स्नो, स्लीट एंड हेल, ठीक है। तो ये चार फॉर्म्स हो सकती हैं प्रेसिपिटेशन की, जो ज़मीन पर पानी को वापस लाती हैं, ठीक है। तो उसके अलावा है लिविंग बॉडी के अंदर जो होते हैं वो पानी किस तरह लाएगा। लिविंग बॉडी की अगर हम बात करें, लिविंग बॉडी के अंदर पानी किस तरह हिस्सा लेता है, तो या तो वो जाएगा ड्रिंकिंग के ज़रिए या फिर ईटिंग। ईटिंग कौन सी चीज़ें? वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, उसके अंदर वेजिटेबल और फ्रूट्स के अंदर जो स्टोर्ड वाटर होता है ना वो बॉडी के अंदर जाता है, ठीक है ना, जब इनको हम खाते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ स्टेप्स की, वाटर साइकिल के कुछ स्टेप्स की बात करते हैं। तो अभी हम बात करते हैं स्टेप्स ऑफ वाटर साइकिल की, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ सीवरल स्टेप्स हैं वाटर साइकिल को रन करने के लिए। तो इन स्टेप्स में की जो स्टार्टिंग जो पॉइंट है ना हमारे पास, वो क्या है? प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन, ठीक है। तो प्रेसिपिटेशन हमारे पास क्या है? ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर वाटर वेपर्स कंडेंस करते हैं एटमॉस्फेयर में और उसके बाद वापस अर्थ की तरफ आते हैं ड्यू टू ग्रेविटी के। जिस तरह हमारे पास यहाँ पे ये क्लाउड है, ये किस तरह बना है? ड्यू टू द कंडेंसेशन, कि यहाँ पे जो है वो कंडेंस किया है वाटर के वेपर्स है, ठीक है ना। तो ये वेपर्स हैं, ये सारे में ना इसी तरह ही हैं वेपर्स, ठीक है ना, इस तरह आपस में बहुत करीब करीब जुड़े हुए हैं कि इस तरह, ठीक है, जुड़ के इस सारे वेपर्स मिलेंगे वाटर के, और इन्होंने मिलके क्या, ये वेपर्स हैं वाटर के, ठीक है, जो एवेपोरेशन से ज़मीन से जो है वो उड़ के ऊपर गए थे हवा में, ठीक है ना। तो वाटर वेपर्स कंडेंस हुए, ठीक है, लिक्विड या सॉलिड फॉर्म के अंदर। वहाँ पे लिक्विड फॉर्म होगी तो वो रेन होगी, और सॉलिड फॉर्म होगा तो वो स्नो होगी, ठीक है। और दोबारा अर्थ सरफेस की तरफ ये कंडेंस हुए हैं, ठीक है, वेपर कंडेंस्ड, ठीक है। अब ये कंडेंस्ड वेपर अगेन बैक टू अर्थ, अर्थ की तरफ आएंगे, या तो सॉलिड फॉर्म में या फिर ये होंगे लिक्विड फॉर्म में। और ये क्यों आएंगे अर्थ की तरफ? ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से ये वापस आएंगे, ठीक है ना। तो या तो ये फॉर्म होगी कौन सी? रेन की, या फिर ये फॉर्म होगी स्नो की फॉर्म, ठीक है। ये हमारे पास स्नो है, राइट से मैंने मार्क किया है। तो प्रेसिपिटेशन की अगर हम यहाँ पे आप लिखोगे तो वहाँ पे, यहाँ पे आप लिखोगे कि प्रेसिपिटेशन रेफर टू द प्रोसेस बाय विच वाटर वेपर्स इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स कंडेंस्ड इनटू लिक्विड और सॉलिड फॉर्म, इनटू लिक्विड और सॉलिड फॉर्म में ये कंडेंस्ड कर जाते हैं, ठीक है, एंड फॉल टू द अर्थ सर्फस, एंड अगेन फॉल टू द अर्थ सर्फस ड्यू टू द ग्रेविटी, ग्रेविटी, ठीक है। दिस मे बी रेन और स्नो, ठीक है, ये स्नो भी हो सकती है, रेन भी हो सकती है, या फिर कुछ कंडीशन में स्लीट और हेल्स भी हो सकती है, ठीक है। तो उसके बाद क्या है प्रेसिपिटेशन का फायदा क्या है हमारे पास? इट विल फिल द रिवर लेक्स, फिल रिवर लेक्स एंड प्रोवाइड मॉइस्चर, और प्रोवाइड करते हैं मॉइस्चर फॉर प्लांट्स, और प्लांट्स के लिए मॉइस्चर प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। तो दूसरी हमारे पास बात है यहाँ पे कनोपी इंटरसेप्शन। तो सबसे पहले तो ये हो गया, प्रेसिपिटेशन हो गई, पानी ज़मीन की तरफ आ रहा है। तो सेकंड स्टेप हमारे पास है कनोपी इंटरसेप्शन।
किनोपी इंटरसेप्शन में क्या होता है कि हमें पता है कि जब पानी है वो अर्थ की तरफ आ रहा है तो अर्थ के ऊपर ऑब्वियसली यहाँ पे जो हमारे पास हैं वो प्लांट्स हैं, ठीक है ना। तो ये प्लांट्स के लीव्स हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इस तरह ना प्लांट्स के जो स्ट्रक्चर हैं वो आपस में मिलके ना के इकट्ठे हो गए, ट्रीज जो उनके एक कनोपी बनाते हैं, एक जो है वो छाया बनाते हैं, आपस में मिलके बहुत ज़्यादा एग्रीगेशन बनाते हैं, ठीक है ना, जिसको हम छाया भी कहते हैं दरख्त की, ठीक है ना। तो उसी छाया को हम कनोपी कहते हैं। तो कनोपी इंटरसेप्शन के प्रोसेस में क्या होता है कि जो लीव्स होते हैं और उसके अलावा ब्रांचेस के नेक्स्ट लीव्स की ब्रांचेस के एक ब्रांच में से डिफरेंट लीव जब निकल रहे होते हैं तो ये ब्रांचेस जो होती हैं, लीव्स एंड ब्रांचेस दोनों जो होते हैं ये होल्ड करते हैं, लीव्स एंड ब्रांचेस होल्ड प्रेसिपिटेशन, ये लीव और ब्रांचेस प्रेसिपिटेशन को, प्रेसिपिटेशन, ये हम कनोपी इंटरसेप्शन की बात कर रहे हैं कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर वेजिटेशन लाइक सच एज लीफ एंड दी ब्रांचेस कैप्चर एंड होल्ड दी प्रेसिपिटेशन लाइक रेन और स्नो बिफोर रीचिंग दी ग्राउंड। ग्राउंड पर जाने से पहले जो कनोपी होती है ना प्लांट की, जिसमें लीव्स और ब्रांचेस आते हैं, ठीक है ना, तो वो क्या करते हैं, वो मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन को इस तरह होल्ड करते रहते हैं, ठीक है ना। ये नीचे पानी गिरता है और ये मैक्सिमम जो पानी है ये इसके ऊपर रह जाता है, तो ठीक है, बिफोर रीचिंग द ग्राउंड। तो ये जो ये इंटरसेप्टेड वाटर होता है ना कि जो पानी यहाँ पे आके रुकता है लीव और ब्रांचेस के ऊपर, तो इसको हम क्या कहते हैं, इंटरसेप्टेड वाटर। ये इंटरसेप्टेड वाटर इवेंचुअली जो होता है ये एवेपोरेट कर जाता है, ये यहीं से ही एवेपोरेट कर जाता है, ठीक है ना, इनटू द एटमॉस्फेयर रेदर देन रीचिंग टू द ग्राउंड। ग्राउंड पर पहुंचने से पहले ही ये इंटरसेप्टेड वाटर जो लीव और ब्रांचेस के ऊपर था यहीं से ही एवेपोरेट कर दिया है और ग्राउंड के ऊपर नहीं पहुंचा है। तो ये कंडीशन जो होती है ना ये बहुत ज़्यादा रेन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, क्योंकि फिर मैक्सिमम से वाटर जो होता है वो ग्राउंड की तरफ नहीं पहुंचता है और जो वाटर जो होता है उसका लेवल ग्राउंड पे जो होता है वो रेंजेबल रहता है, ठीक है ना, कंट्रोलेबल होता है, ठीक है। तो हमने बात कर ली प्रेसिपिटेशन की, कनोपी इंटरसेप्शन की भी बात कर ली, और थर्ड चीज़ है हमारे पास यहाँ पे स्नो मेल्ट्स, जो पानी आता है स्नो मेल्ट से उसकी हम बात करते हैं। तो स्नो मेल्ट की कंडीशन क्या होती है कि जब बहुत ज़्यादा जो होती है वो स्नो मेल्ट एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ना स्नो की ट्रांसिशन होती है सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में, ठीक है ना, सॉलिड टू लिक्विड स्टेट ट्रांसिशन होती है हमारे पास यहाँ पे स्नो की, ठीक है। तो किस तरह होती है, जब वेदर जो होता है वो वार्म अप कर जाता है, मौसम जो होता है वो गर्म हो जाता है, तो स्नो जो होती है ये मेल्ट होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वाटर जो होता है ये रिवर्स की तरफ जाना शुरू हो जाता है, लेक्स की तरफ शुरू होना शुरू होता है और सीवरल वाटर बॉडीज़ की तरफ पानी जो होता है वो जाना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये वाटर जो होता है ये लेक्स या फिर रिजर्वायर्स में या अभी जो होता है वो स्टोर किया जा सकता है या फिर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो स्नो मेल्ट, अगर हम बात करें स्नो मेल्ट की, तो क्या है, एक ऐसा रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच प्रोसेस ऑफ द स्नो ट्रांसिशनिंग फ्रॉम सॉलिड टू द लिक्विड फेज एज टेम्परेचर राइजेस व्हेन द वेदर वार्म्स अप स्नो बिगिंस टू मेल्ट एंड रिजल्टिंग वाटर फ्लोज इनटू द रिवर लेक्स एंड वाटर बॉडीज इट मे स्टोर इन लेक्स एंड रिजर्वायर्स और बी एक्सट्रैक्टेड फॉर एग्रीकल्चर और अदर ह्यूमन यूजेस, ठीक है। तो दूसरे ह्यूमन यूजेस के लिए भी इसको एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। तो फोर स्टेप हमारे पास है यहाँ पे इनफिल्ट्रेशन, इनफिल्ट्रेशन कौन सा प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है, वाटर ग्रेजुअली फ्लो करता है ग्राउंड में से, फ्रॉम द सरफेस, सरफेस है हमारे पास ये, अब
इस तरह हमारे पास ये अब एक सरफेस है, ठीक है, ये ऊपर इसके ये मैं रेड कलर से मार्क कर रही हूँ, ये हमारे पास है पानी, ठीक है, ये ऊपर पानी है इसके कि ब्लैक कलर की क्या है, सरफेस है, ठीक है। तो इनफिल्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वाटर ग्रेजुअली फ्लो करता रहता है ग्राउंड में, कि ये नीचे जो था ये ग्राउंड है, ये पानी ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता सीवरल पोर से इस ग्राउंड में मूव करी जा रहा है, ठीक है ना। तो ग्रेजुअली मूव इनटू द सरफेस, वाटर ग्रेजुअली मूव कर रहा है सरफेस ग्राउंड में सरफेस के ज़रिए, ठीक है। और ये नीचे भी पानी आ गया है, ये जो है ये भी पानी यहाँ पे जमा हो रहा है ग्राउंड में, ठीक है। तो इनफिल्ट्रेशन इज द प्रोसेस बाय विच वाटर ग्रेजुअली फ्लो इनटू द ग्राउंड फ्रॉम द सरफेस। प्रेसिपिटेशन वाला जो वाटर होता है ये मूव करता है सॉइल में और फिर मूव करता जाता है, पहले ये आता है यहाँ पे जिस तरह के हमारे पास ये ब्लैक कलर की सरफेस थी, ठीक है। तो जो पानी है ना रेन से या फिर स्नो का, ये ना इस सरफेस पे पहले आएगा और यहाँ पे जो सॉइल थी वो इसको अब्जॉर्ब कर लेगी पानी को, ठीक है। फिर उसके बाद इस सॉइल से ये वाटर जो होगा ये नीचे की तरफ मूव करना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है, सॉइल लेयर से, और उसके बाद कंट्रीब्यूट कर जाएगा इन द फॉर्मेशन ऑफ एक्वीफायर। यहाँ पर फिर जब नीचे ग्राउंड में जाएगा तो ये कंट्रीब्यूट करेगा एक्वीफायर की फॉर्मेशन में, ठीक है, इनफिल्ट्रेशन वाला पानी। तो अगर हम इनफिल्ट्रेशन की मैं आपको दोबारा बता देती हूँ क्या होता है, कि जो इनफिल्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर वाटर ग्रेजुअली मूव करता है सरफेस से ग्राउंड के नीचे की तरफ, ठीक है, और ये ग्रेजुअली मूव करता है ग्राउंड के नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में, सॉइल लेयर से ये मूव करता है, ठीक है ना, आहिस्ता 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 इनफिल्ट्रेशन से, और फिर एट द एंड ये कंट्रीब्यूट कर देता है इन दी फॉर्मेशन ऑफ दी एक्वीफायर, ठीक है, और एक्वीफायर की फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट कर देता है। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं फिफ्थ स्टेप की। जो है हमारे पास फिफ्थ स्टेप है वो होता है सब सरफेस फ्लो। तो सब सरफेस फ्लो क्या है, ये मूवमेंट होती है वाटर की बीनीथ दी सरफेस ऑफ दी सॉइल, सॉइल की सरफेस के नीचे वाटर की मूवमेंट को हम सब सरफेस फ्लो कहते हैं, ठीक है ना। तो सब सरफेस वाटर जो होता है ये या तो सरफेस की तरफ आ जाता है, ठीक है ना, एक तो मैं यहाँ पे बात करती हूँ मूवमेंट बिलो सरफेस, ठीक है। तो ये जो सब सरफेस वाटर होता है ना ये कभी कभार ये वाटर जो होता है ये ग्राउंड की तरफ मूव कर जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग, चश्मे जिसको हम कहते हैं, इन स्प्रिंग्स की फॉर्म में ये वाटर जो होता है वो ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाता है सरफेस के ऊपर। और कभी कभार जो होता है ये वाटर क्या होता है ये थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के बाद ये रिमेन रहेगा एज एन एक्वेफर, ठीक है, एक्वेफर्स की तौर पर ये वाटर रहता है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास सिक्स स्टेप है परकुलेशन। व्हाट इज परकुलेशन? परकुलेशन इज द वर्टिकल मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द सॉइल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में, इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में ये एक वर्टिकल मूवमेंट होती है वाटर की, वर्टिकल मूवमेंट ऑफ वाटर, वाटर की वर्टिकल मूवमेंट होती है, क्लियर। तो नेक्स्ट हमारे पास एट स्टेप है, जिस तरह के हमारे पास ये है सरफेस, ठीक है। तो परकुलेशन बेसिकली क्या है, ये मूवमेंट नीचे की तरफ, ठीक है, ये वाटर है जो ब्लू कलर से मैं मार्क कर रही हूँ, ठीक है, वर्टिकल मूवमेंट है वाटर की, ये सरफेस के ऊपर था और वर्टिकली इसने मूव करना शुरू कर दिया नीचे की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सिक्स स्टेप है, सॉरी सेवन स्टेप है, इवेपोरेशन। तो
तो अवेपोरेशन बेसिकली क्या है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है लिक्विड की गैस फेस में, कि लिक्विड टू गैस फेस ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, कि मतलब जो होता है हमारी सरफेस के ऊपर, अब ये लिक्विड पड़ा हुआ है, इस लिक्विड का गैस के अंदर कन्वर्ट करके हवा में इस तरह उड़ जाना है, इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, अवेपोरेशन। तो क्या होता है कि प्राइमरी सोर्स है ना जो एनर्जी का अवेपोरेशन के लिए, वो क्या होता है, सोलर एनर्जी। मैं यहाँ पे बना देती हूँ, ये सन जो होता है ना, सन की जो रेडिएशंस हैं यहाँ पे पड़ती है, और इन रेडिएशंस की वजह से जो ये मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वाटर के, ये गेन करते हैं एनर्जी, जब और जब मैक्सिमम एनर्जी पे ये पहुँच जाते हैं, इस मैक्सिमम एनर्जी पे पहुँचने के बाद ये क्या कर जाते हैं, अवेपोरेट कर जाते हैं। कहाँ पे ये जाते हैं, एटमोसफियर, एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, ठीक है ना। तो एवेपोरेशन के अंदर जो होती है वो हमारे पास ट्रांसपिरेशन भी हम देखते हैं जो प्लांट्स में से, ठीक है ना, और उसके अलावा इसको, और इस ट्रांसपिरेशन को हम एवेपो ट्रांसपिरेशन भी कहते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे पास 8 स्टेप है वो है ट्रांसपिरेशन, क्लियर। बट इस ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन इज द रिलीज ऑफ वाटर वेपर्स फ्राम प्लांट एंड सॉइल इन टू द एयर, कि जिस तरह अब हमारे पास ये एक लीव है, ठीक है, लीव के ऊपर ना कुछ डॉट्स लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो नेक्ड आई से नहीं इतने वाजे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, टीनी होते हैं, तो इसको हम कहते हैं ये स्टोमेटा है हमारे पास, ये स्टोमेटा करवाता है एवेपोरेशन, ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। ये स्टोमेटा वाटर का लॉस करवाता है, ठीक है ना, आफ्टर ऑब्टेनिंग द मैक्सिमम एनर्जी फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। सो ट्रांसपिरेशन इज द रिलीज ऑफ वाटर वेपर्स फ्रॉम प्लांट इन टू दी एयर, ठीक है ना, तो प्लांट से एयर की तरफ। तो इस ट्रांसपिरेशन को हम अवेपो ट्रांसपिरेशन भी कहते हैं, ठीक है, अवेपो ट्रांसपिरेशन, क्लियर। तो 9th स्टेप है हमारे पास सब्लिमेशन, सब्लिमेशन से भी हवा में जो होते हैं वो पानी वेपर्स इकट्ठे होते हैं। किस तरह, सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है कि सॉलिड फेस से डायरेक्ट वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाना। सॉलिड फेस कौन सी होती है, हमारे पास स्नो होती है ऑब्वियसली, और इस स्नो का डायरेक्ट वेपर्स के अंदर चेंज होकर एटमोसफेयर में उड़ जाना, इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास है सब्लिमेशन, क्लियर। तो नेक्स्ट हमारे पास 10th जो है वो स्टेप है वो क्या है, कंडेंसेशन। तो मैं यहीं पे लिख देती हूँ, नंबर 10 इज कंडेंसेशन। सो व्हाट इज कंडेंसेशन, कंडेंस कर जाना, जुड़ जाना। अब एवेपोरेशन की हमने बात कर ली, ये तीनों स्टेप से एवेपोरेट कर गए हैं जो पानी था वो हवा में, ठीक है ना। नेक्स्ट है कंडेंसेशन की बात करते हैं हम। कंडेंसेशन में क्या होता है कि एवेपोरेशन के बाद, ठीक है ना, वाटर वेपर्स कूल डाउन रहते हैं, क्योंकि एवेपोरेट हुए थे ये मैक्सिमम एनर्जी गेन करने के बाद, ठीक है, यहाँ भी और यहाँ भी ये मैक्सिमम एनर्जी गेन करने के बाद ही एवेपोरेट हुए थे एटमॉस्फेयर में। तो जब ये एनर्जी जो होती है इसकी वो कूल डाउन हो जाती है, एनर्जी ड्रॉप हो जाती है, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कूल डाउन हो जाते हैं और कंडेंस हो जाते हैं अराउंड टाइनी पार्टिकल्स। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, ये एक ब्लू कलर का वाटर है, लेकिन उससे पहले मैं एक टिनी पार्टिकल बनाती हूँ। ये कोई डस्ट पार्टिकल भी हो सकता है, ठीक है, एयर पार्टिकल भी हो सकता है, और कोई पोल्यूटेड पार्टिकल भी हो सकता है। इसके गिर्द ना
ये कोई भी मतलब अच्छा पार्टिकल भी हो सकता है, इस तरह हो जाना है वेपर ने, ठीक है, वेपर ने उसके गिर्द जो है वो कंडेंस कर जाना है, ठीक है ना। ये ब्लैक से मैं अंदर मार्क कर देती हूँ, ग्रीन से नज़र नहीं था आ रहा, ये अंदर कोई टाइनी पार्टिकल है और उसके गिर्द जो ब्लू कलर का वेपर था उसने कंडेंस कर गया है, ठीक है। तो दीज जो होते हैं वाटर टिनी ड्रॉप, वाटर ड्रॉपलेट्स, और ये एक ड्रॉपलेट बन गया है, और ये ड्रॉपलेट्स मिलके क्या बनाते हैं, दीज ड्रॉपलेट्स कंबाइन टू फॉर्म क्लाउड्स, ठीक है, ये ड्रॉपलेट्स मिलके क्लाउड बना देते हैं, क्लियर। तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सब क्लाउड बन गए हैं, एट द एंड फिर क्या होनी है, प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन से ही हमने ये साइकिल स्टार्ट किया था अगर आपको याद हो, और प्रेसिपिटेशन पे ये ख़त्म हो रहा है। तो साइकिल एक कोई भी प्रोसेस होता है जो जहाँ से शुरू होता है वहीं पे ख़त्म हो रहता है एट द एंड, ठीक है। तो प्रेसिपिटेशन से स्टार्टिंग हुई थी, प्रेसिपिटेशन पे अब हम एंड कर रहे हैं इसका। तो प्रेसिपिटेशन में क्या होता है कि कन्वर्जेंस होती है एयर मैसेस की, तो कन्वर्जेंस ऑफ एयर मैसेस प्रेसिपिटेशन में क्या होगा, कन्वर्जेंस ऑफ एयर मासिस, एयर मासिस की कन्वर्जेंस है, या फिर फ्रंटल सिस्टम। अब एयर मासिस की कन्वर्जेंस से क्या मुराद है, जब डिफरेंट एयर मास जिसके अंदर एक जैसा टेम्परेचर हो, डिस्टिंक्ट सेम डिफरेंट एयर मास सेम टेम्परेचर, ठीक है, ह्यूमिडिटी एक दूसरे के पास आ जाती है उस एयर मास से, ठीक है, वो मिलते हैं तो कन्वर्जेंस हो जाती है एयर मैसेज की, ठीक है ना। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कन्वर्जेंस ऑफ एयर मैसेज, जो डिफरेंट एयर मास मिलते हैं, ठीक है ना। तो और उसके बाद क्या होता है, उन एयर मास की सेम टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी होती है, सेम टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी वाले एयर मास का डिफरेंट एयर मास के मिलने को हम कन्वर्जेंस कहते हैं एयर मैसेज की, ठीक है, या फिर फ्रंटल सिस्टम, कन्वर्जेंस ऑफ एयर मैसेज और फ्रंटल सिस्टम। फ्रंटल सिस्टम क्या है, फ्रंटल सिस्टम एयर सिस्टम होता है वार्म और कोल्ड एयर का, ठीक है ना। तो वार्म और कोल्ड एयर का मिलने से, ठीक है ना, तो जो सिस्टम बनता है उसको हम फ्रंटल एयर सिस्टम कहते हैं, यहाँ पे एयर भी लिख रहे हैं आप, ठीक है। तो ये प्रेसिपिटेशन क्या है, कन्वर्जेंस ऑफ एयर मैसेज और फ्रंटल सिस्टम क्रिएट चेंज इन एटमोस्फेरिक प्रेशर, ये दोनों चीज़ें क्या करती हैं, क्रिएट करती हैं चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर के अंदर चेंज करती हैं एटमॉस्फेयर के प्रेशर के अंदर, ठीक है, और ट्रिगर करती हैं द फॉर्मेशन ऑफ द क्लाउड, फॉर्म क्लाउड्स, और क्लाउड्स की ये फॉर्मेशन को ट्रिगर करती हैं, ठीक है। और उसके बाद है ये फैक्टर रिलीज करते हैं मॉइस्चर को क्लाउड से, क्लाउड से जब क्लाउड्स बन जाते हैं और ये वाले फैक्टर्स जो होते हैं ना, ये क्या करवाते हैं, रिलीज बाद में करवाते हैं मॉइस्चर फ्रॉम क्लाउड्स, क्लाउड से ये मॉइस्चर रिलीज करवाते हैं इन द फॉर्म ऑफ द प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में, जिसके अंदर हमने देखा था स्नो, रेन, स्लीट और हेल वगैरह, ये फॉर्म्स होती हैं। एट द एंड पानी फिर ज़मीन पे आता है, ज़मीन से डिफरेंट प्रोसेसेस से, या तो ज़मीन के अंदर चले जाता है एक्वीफायर, या फिर किसी स्प्रिंग की फॉर्म में वहाँ पे रहता है, ठीक है ना, हज़ारों साल, या फिर वो पानी जो होता है ये क्या करता है, ये वहाँ से एवेपोरेट कर जाता है और दोबारा जो होता है वो एटमोसफेयर में आके दोबारा फिर प्रेसिपिटेशन होती है, दोबारा फिर वापस आता है। तो हमें पता है कि ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट साइकिल है लिविंग थिंग्स को जो होता है वो सर्वाइव करने के लिए, ठीक है ना। तो आई होप तो कि आपको वाटर साइकिल की समझ लगी होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म का कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।